हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल सफर। सो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि भैया अपन आए थे जयपुर से ऋषिकेश, और ऋषिकेश में जो शिवपुरी है ना, वहीं अपन अभी हैं। और ये जो कैंप है ना, इसी कैंप में अपन रुके थे। नहीं हुए सामने है ना, वहाँ है, लेकिन अभी बादलों की वजह से छुपे हुए। और भैया कुछ ऐसे लोकेशन पर अपन रुके हुए थे, मतलब कैंप साइट के बगल में भैया नदी बह रही है, और उधर सामने वहाँ है भैया गंगा। आज अपन जा रहे हैं शिमला। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में आपने कहानी सुनी होगी कि जाना था जापान, पहुँच गए चीन। तो वही बात है, अपन उत्तराखंड करने आए थे, लेकिन उत्तराखंड में अपन आगे नहीं बढ़े, अपन चल रहे हैं अभी शिमला। गंगा किनारे बैठ करके भैया चाय पीने का अलग ही मज़ा है। हालांकि चाय इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक है, लोकेशन और गंगा, इसके आगे भैया सब चीज़ फीकी है। सो दोस्तों, यहाँ चल रहा है बाइक का वार्म अप, ठीक है। चेकआउट अपन ने कर दिया है, लगेज वगैरह भी बांध दिया है। और ये देखो नज़ारा यहाँ का, यहाँ से मतलब बह रही है नदी और सामने कैंप, क्या बात है। चले, हर हर महादेव, जय शंकर, जय भोलेनाथ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफर के साथ लेट्स गो विद फ्लो। उत्तराखंड की कई ऐसी वैली हैं जो भैया मैंने अभी तक देखी नहीं है, मैं वो देखने आया था। और जैसे ही मैं अपने ऋषिकेश को पार करके शिवपुरी को क्रॉस करा मैंने, तो पता नहीं मेरे मन में क्यों फीलिंग आई। मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था कि यार मुझे उत्तराखंड अभी करना नहीं है, मन नहीं है। जो मन की करता है वही मनमौजी होता है, तो हम भी मनमौजी हैं। तो फिर यहाँ स्टे करते हुए भैया मैंने सोचा कि मैं अब जाऊँ कहाँ, तो भैया दिमाग में आया एक काम करते हैं भैया, हिमाचल भग लेते हैं अनप्लान्ड, क्योंकि ये सीरीज है ना जो अब अनप्लान्ड हो गई है, कोई प्लान नहीं है इसका कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। अभी बैठे बैठे मेरे मन में आया कि शिमला की तरफ चलते हैं, तो भैया मैं उठ करके चल दिया शिमला की ओर। तो शिमला दोस्तों यहाँ से अभी दिखा रहा है तकरीबन 250 किलोमीटर और समय बता रहा है 6 घंटे कुछ मिनट। अभी बाईपास से आए थे अपन, और हाईवे आ गया है और चल रहे हैं बढ़िया। लेकिन अभी देखो ये जो पेड़ वगैरह है ना, इनको देख करके थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि भैया जैसे गर्मी चल रही हो, और वास्तविक में गर्मी ही चल रही है। रात को जो टेम्परेचर था ना शिवपुरी में, वो थोड़ा ठीक था। जैसे अभी सुबह हुई है ना, सुबह हो करके भैया थोड़ा थोड़ा जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कहीं भी चले जाओ, अगर सिटी के अंदर घुसना पड़ जाता है ना, तो जाम आपको 100% मिलेगा। क्या हाईवे चलते रहो, मज़ा आता रहेगा। और जैसे भैया किसी भी सिटी के अंदर प्रवेश किया ना, वैसे ही हो जाता है मूड ऑफ। भैया जब देहरादून से आते हैं ना, तो विकास नगर और बड़कोट के लिए रास्ता ये जाता है, अपने को चलना है इधर शिमला की ओर। अगर थोड़ी दूर तक अच्छा हाईवे आ जाए, फिर थोड़ा शहर में से निकल जाए, तो फिर भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये गाँव में से ही चलता रहता है ना रास्ता, तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि भैया डर लगा रहता है, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई आंटी, कोई जानवर भक्कर के फटाफट सड़क पे नहीं आ जाए। सो भैया यही मामला चल रहा है जब से अपन ऋषिकेश से निकले हैं देहरादून होते हुए। पहले भी बताया आपको कि यहाँ रास्ता भैया कैसा सिस्टम है, मतलब थोड़ा सा सही चलेंगे फिर से ऐसा रास्ता आ जाएगा, और फिर थोड़ा सही रोड पे चलेंगे फिर से टूट फूट आ जाएगी। भाई बहुत देर में ऐसी लोकेशन आई है जिसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। कहने का मतलब, इधर तो रोड चल रही है और साथ में भैया नदी चल रही है बढ़िया वाली। अब नदी गोप्रो में तो दिख नहीं सकती क्योंकि भैया रोड ऊपर है और नदी नीचे है, लेकिन अगर कोई कर्व आएगा ना तो पक्का दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये नदी जा रही है साथ साथ में, क्या बात है। अब ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड यहीं पे भैया बॉर्डर ख़त्म होने वाला है, अब यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिस नदी के साथ साथ अपन चल रहे थे, अभी उसी नदी के ऊपर अपन आ गए हैं, पार करके जा रहे हैं, ठीक है। ये नदी है और भैया बांध भी बना हुआ है इसके ऊपर, अम्बाला 105। अम्बाला हिंदी में भी 105 किलोमीटर है और इंग्लिश में भी 105 किलोमीटर है, क्या बात है। यहाँ भी वही सिस्टम है, नदी के उस तरफ था उत्तराखंड और नदी पार करते अपन आ गए हिमाचल में। शिमला इधर चलूँ, तुम भी चलो।
भाई को कह रहा हूँ तुम भी चलो शिमला, तो भाई हंस रहा है। भैया धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे सुंदर पहाड़ की घाटियाँ शुरू होती जा रही हैं, और हिमाचल की भैया बात ही कुछ और है। मतलब जितनी तारीफ करो ना भैया उतनी कम है। रोड की बात करें तो भैया रोड भी अल्टीमेट है, और घाटियाँ देखो आप कितनी सुंदर घाटी है यार, मतलब A1। अभी भी दोस्तों ये जो राइड चल रही है ना, ये अनप्लान्ड है। मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, कल कहाँ जाऊँगा, परसों कहाँ जाऊँगा। मैं बस आज के बारे में सोच रहा हूँ कि आज मुझे कहाँ जाना है। ये स्प्लेंडर वाला कह डा रहा है बिल्कुल। ओहो हो हो, अरे भाई आराम से आराम से। सो भैया अपन निकले यहाँ पे, इधर चलो तो अम्बाला और राइड चलो तो शिमला। अब समय हो गया है अपने एक ब्रेक लेने का, कोई सही सा ढाबा आ जाए। खाऊंगा तो नहीं मैं खाना क्योंकि पेट भरा हुआ है, लेकिन एक लेमन टी ज़रूर पियेंगे और पानी ब्रेक। मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ लोगों के पास नींबू नहीं है। जिसको भी पूछते हैं ना कि नींबू की चाय मिलेगी, तो वो आदमी एक ही चीज़ कहता है नींबू नहीं है। भैया पहाड़ों में नींबू क्यों नहीं है? हमको जवाब चाहिए कि पहाड़ों में नींबू क्यों नहीं है। फिर से अभी पीछे रुका था मैं, मैंने पूछा था लेमन टी नींबू की चाय मिल जाएगी क्या, तो मना कर दिया, बोले नहीं मिलेगी। भाई लेमन टी मिलेगी है नींबू? हाँ नींबू है। ये तो चमत्कार हो गया यार, मैं पीछे 15 जगह से पूछ रहा हूँ, सभी यूँ कह देते हैं लेमन टी है ही नहीं। नहीं पीछे। चलो यार बहुत बढ़िया। अभी तक भैया 4 घंटे में मैंने चलाए हैं केवल 170 किलोमीटर, पहाड़ों के हिसाब से ठीक है। तो भाई कुछ ऐसी लोकेशन है, नीचे से ही आए हैं अपन, वहाँ नीचे है वो रास्ता दिख रहा है आपको, उस रास्ते से घूम घूम के भैया अपन आए हैं इधर। और अभी ये जगह है ना, ये है कोई गांव नैना टिक्कर। जी हाँ, नैना टिक्कर करके कोई गाँव है, और मतलब मस्त है यार, मज़ा आ रहा है, हवा अच्छी वाली चल रही है। बस ऐसे ही रुक गया था, थोड़ा सा व्यू लग गया था देखने को, तो सोचा आपको भी बता दूं। भाई आपको पहाड़ों में चाय मिले या नहीं मिले, खाना समय पे मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको यहाँ हर एक कदम पर लॉर्ड अल्टो ज़रूर देखने को मिल जाएगी। देखो सामने लॉर्ड अल्टो जा रही है, पहाड़ों की गानी है भाई, ऐसे थोड़ी ना इसको लॉर्ड अल्टो कहा जाता है। लॉर्ड अल्टो वेट फॉर मी, मैं भी आ रहा हूँ। अरे लॉर्ड अल्टो तो रुक गई यार, इसका मतलब लॉर्ड अल्टो कहना भी बंद जी। हाथ दिखाया था क्या? क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं तमिलनाडु से। और आज कहाँ से चले हो? नौ। अच्छा वो कुछ था पीछे है ना जी। वहीं रुके थे क्या जी? वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ तो वीडियो है, इसको तो चलने दो। मैं सोशल मीडिया। अरे कोई बात नहीं जी। भाई बहुत मेहनत कर रहे हो यार है? जी थोड़ा हिंदी में। हिंदी? इंग्लिश। इंग्लिश ओके ओके ओके। यू आर स्ट्रगलिंग टू मच? यू लाइक दिस? योर हॉबी इज साइकिलिंग? नो इट इज नॉट, आई लाइक ट्रैवलिंग। ओके 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 ओके। सो ब्रदर ओके, हैव अ गुड डे। You are from Rajasthan? Yes, yes, Rajasthan, Jaipur. जैसे जैसे शिमला की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ ना, अब थोड़ी सी ठंड लगने लग गई है मुझे। अब समय हो गया है दोपहर के 2:00 पता नहीं कितने मिनट, लेकिन अब भैया खाना खाना है क्योंकि भूख भी लग रही है। खाना मिलेगा कि भैया? मिल जाएगा? चलो बढ़िया है। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? कड़ी लगा दो, दाल लगा दो, दाल। हाँ तो दोस्तों फाइनली अपना भैया लंच हो गया, और लंच में खाया अपन ने दाल और रोटी और दही। दोस्तों सोलान तो पहुंच गया हूँ मैं, और लास्ट टाइम जब पिछले साल मैं सोलान आया था ना, तो जैसे ही मैंने भैया चंडीगढ़ से चढ़ाई शुरू की ना, कहाँ की शिमला सोलान की, वैसे भैया बारिश आने लग गई थी, और भीगता भीगता जो है मैं आया था, रास्ते में लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा मिली हुई थी। और यही एक जगह है
जहाँ पर भैया इतनी तेज बारिश हो गई थी कि मैं आकर के एक बस स्टैंड है यहाँ पर उसमें छुपा था। भाई मेरे शिमला ही जा रहे हैं ना? हाँ जी, ये शिमला जा रहे हैं। चलो इसी बात पे एक जूस पिला दो, इसी बात पे एक गिलास गन्ने का जूस, गन्ने का रस। ज़्यादा ठंडा मत करना और नींबू वगैरह डाल देना। बढ़िया, हाँ बढ़िया। वो शिमला कालका ट्रेन भी जा रही है, वाह वाह वाह, दिख रही होगी आपको। यार अपन ने मिस कर दी, थोड़ी सी आगे होते ना तो दिखती हो। ये शिमला कालका वही ट्रेन ही है ना? बहुत बढ़िया। फाइनली वी आर एट शिमला, क्या बात है। और सामने भैया शिमला सिटी दिख रही होगी आपको, मुझे भी दिख रही है, पर छोटी सी दिख रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये सिटी बड़ी होती जाएगी। और वैसे आज कुछ ज़्यादा घूमना नहीं है मुझे, बस फ्रेश अप होकर के एक तो मैं जाऊँगा जाखू मंदिर और एक जाऊँगा माल रोड। ये सामने है ना, यही है भाई रोशन भाई, इनकी चाय पीता हूँ मैं जब भी शिमला आता हूँ। हालांकि एक ही बार आया हूँ आज तक। यार आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, बहुत शिकायत आ रही हैं आपकी कि चाय वाय अच्छी बनाते हो आप। हाँ पहचाना तो नहीं होगा अभी? अभी नहीं पहचाना? बताओ पहले दिया गया था। हाँ नहीं ले नहीं जी, वो आगे स्पीति, आपने मेरी वीडियो भी डाली थी। हाँ बिल्कुल, क्या बात बात बात, पहचान गए यार, क्या बात है। होटल अमर पैलेस, अगर यहाँ बजट बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो पीछे देखा था ना एक, वहीं ले लूँगा जा कर के जी। रूम किस बजट में? कितने लोग हैं? मैं अकेला भाई करूँ एक। अकेले हो? हाँ हाँ। अच्छा। हे दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम शिमला। तो भैया शिमला पहुँच गए और रूम ले लिया, ये सामने दिख रहा होगा आपको होटल अमर पैलेस, ठीक है। तो इसी में रूम लिया है और रूम पड़ा है भैया 1000 रुपये का। अब अपना क्या शेड्यूल है भैया? अब अपन जा रहे हैं मॉल रोड, क्योंकि मॉल रोड यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अंकल कह रहे थे रिसेप्शन वाले कि 5-10 मिनट का रास्ता है, तो मॉल रोड हो जाते हैं, कुछ सामान खरीदना है वो खरीद लेते हैं। उसके बाद में अपन जाएंगे भैया जाखू टेम्पल, क्योंकि जाखू टेम्पल यहीं पास में ही है। ये दो जगह एक्सप्लोर ज़रूर करना है, आपको भी करना है। मैं जब भी आता हूँ ना शिमला, तो एक तो जाखू टेम्पल और मॉल रोड दोनों जगह भैया ज़रूर जाता हूँ। और यहाँ से भैया शिमला का ऐसा व्यू निकल करके आता है। और अपना जो होटल का रूम है ना, उससे भी अच्छा व्यू निकल करके आता है, तो वो आपको बाद में दिखाएंगे, हो सकता है अगले एपिसोड में दिखाएं। अभी फटाफट चलते हैं अपन मॉल रोड। बारिश आने वाली है, मौसम घुट रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया यहाँ शिमला में इतनी सर्दी है, तो आगे अपन जहाँ भी जाएंगे वहाँ क्या हाल होगा। खैर जो भी हाल होगा वो देखा जाएगा, चलना तो भाई। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जाखू मंदिर भैया वही मंदिर है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, तो यहाँ रुके थे थोड़ी देर के लिए। सो भैया जाखू मंदिर अपन होकर के आ गए, आनंद आया, परमानंद आया, मतलब बहुत मज़ा आया। और आरती उस समय हो ही रही थी, तो थोड़ी देर बैठा और बैठ करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और जो मूर्ति है ना, वो तो भाई साहब उसको तो देखते ही, हनुमान जी को देखते ऐसा फीलिंग होता है कि भैया साक्षात हनुमान जी खड़े हैं ना। सो दोस्तों आज का यही प्लान था,
नेक्स्ट एपिसोड में अपन कहाँ जाएंगे अभी मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो सीरीज है ना ये अनप्लान्ड सीरीज है, कोई प्लान नहीं है पहले से ही कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो अभी बस लेटूंगा और इस बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये सीरीज या फिर ये एपिसोड अच्छे लग रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।